सजा दो घर को गुलशन से, मेरी सरकार आए हैं। इन दिनों अयोध्या में यह लाइन बहुत सटीक बैठती नजर आ रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। प्रभु राम के विराजमान होने से पहले अयोध्या त्रेता की अयोध्या कैसे दिखे, इसको लेकर अयोध्या में सातवां दीपोत्सव भी भव्य होगा। राम की नगरी में एक बार फिर सातवें दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा। इस बार दीपोत्सव और खास होगा, भगवान रामलला के स्थायी मंदिर का आखिरी दीपोत्सव होगा। इस बार पिछले साल की अपेक्षा लगभग 21 लाख दीपक से ज्यादा जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 21 लाख दीपक सरयू के 51 घाटों पर रोशन होंगे। अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर नए कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, 21 लाख दीपक जलाने के लिए 27 लाख मिट्टी के दीपक बनाने का ऑर्डर नोएडा के ग्रेविटी कंपनी को दिया गया था, जिसकी अब तैयारी शुरू कर दी गई है। छोटी छोटी संख्या में आवश्यकता अनुसार राम की पैड़ी से लेकर सरयू के घाट और चौधरी चरण सिंह घाट तक मिट्टी के दीपक की आपूर्ति शुरू हो गई है, जिससे कि 7 नवंबर को दीपकों को घाटों पर पहुंचाया जाएगा। 8 नवंबर से दीपक को सजाने का काम चलेगा। दीपक विशेष साइज के बनाए जा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर अयोध्या का नाम रोशन है। 40 मिलीलीटर तेल की क्षमता वाले दीपक का ऑर्डर दिया गया है, जिनकी आपूर्ति शुरू हो गई है। आपको बता दें, नोएडा की ग्रेविटी कंपनी के द्वारा दीपोत्सव में दीपक, तेल, लाठी, आईडी कार्ड और पानी की बोतल की आपूर्ति किया जाएगा, जो 28 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, पिछले बार दीपोत्सव में मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो इस बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना है। इतना ही नहीं, 21 लाख दीपक जलाने के लिए लगभग 1,05,000 लीटर तेल की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे अयोध्या को एक बार फिर रोशन किया जाएगा। अयोध्या में इन दिनों सड़कें चौड़ी हो रही हैं, दीपोत्सव की भव्य तैयारी शुरू हो गई है। मठ मंदिर में रंग रोगन हो रहा है। सब एक ही धुन में अयोध्या वासी उसे पल का इंतजार कर रहे हैं, जब उनके आराध्य अपने भव्य महल में विराजमान होंगे।